Now we will understand chameleon clustering algorithm. This algorithm is based on hierarchical clustering algorithm that uses dynamic modeling. तो ये algorithm हमारी two phases में work करती है. First और दूसरी चीज़ ये एक graph based algorithm है. This uses graph partitioning algorithm. तो पहले हमारे पास graph होता है, उस graph को छोटे छोटे sub graph में हम divide कर देते हैं, जो कि हर एक sub graph एक सब क्लस्टर को या क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है. और फर्दर सेकेंड स्टेप में हम इन छोटे छोटे जो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को हम मर्ज करते हैं, तो एक हायरार्की बन जाती है. छोटे ग्राफ को या छोटे क्लस्टर को हम मर्ज करेंगे बड़े वाले में, और फिर बड़े वालों को फिर उससे बड़े क्लस्टर में मर्ज करते हैं, क्लस्टर या ग्राफ में मर्ज करते हैं. तो ये हमारी एग्लोमरेटिव बेस्ड अप्रोच फॉलो करती है सेकेंड फेज में. तो ये हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, डिवाइड द डेटा सेट इनटू सेट ऑफ इंडिविजुअल क्लस्टर्स. तो हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट को हम छोटे छोटे क्लस्टर्स में, इंडिविजुअल क्लस्टर्स में हम डिवाइड करते हैं. और सेकेंड फेज में आप देख सकते हैं कि इट यूजेज एग्लोमरेटिव हायरार्किकल माइनिंग एल्गोरिथम टू मर्ज द क्लस्टर. तो सेकेंड फेज में हम मर्ज करते हैं क्लस्टर्स को. And we already know that to apply any clustering algorithm, we must know some criteria based on which we will divide the values into clusters. तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ criteria है. तो two clusters are merged only if the interconnectivity and closeness, हमारे पास ये दो parameters हैं, एक तो interconnectivity और दूसरा closeness between two clusters. तो ये दो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं. तो अगर ये इनकी वैल्यू हाई है, इंटरनल जो हमारे क्लस्टर्स हैं, इंडिविजुअल जो क्लस्टर्स हैं, तो एक दूसरे क्लस्टर्स की बीच में हम ये दोनों पैरामीटर की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. तो अगर ये दोनों वैल्यूज इंटरनल के कंपेरिजन में रिलेटिवली हाई वैल्यूज आ रही हैं, तो हम उन दोनों क्लस्टर्स को आपस में मर्ज कर देंगे. अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे. तो जैसा हमने देखा था कि दिस इज ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम एंड वर्क्स इन टू फेजेस. इन फर्स्ट फेज यूज ग्राफ पार्टीशनिंग एल्गोरिथम, क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सब क्लस्टर्स. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके वो छोटे छोटे कई सारे क्लस्टर्स बन जाते हैं. और सेकेंड में हम एग्लोमरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज करते हैं. एग्लोमरेटिव में क्या होता है, जैसे हमने हमारे पास डेटा सेट था, तो हमने एक एक वैल्यू का एक क्लस्टर बना दिया, फिर हमने उन क्लस्टर्स को क्राइटेरिया के बेसिस पे या सिमिलरिटी के बेसिस पे मर्ज किया बड़े क्लस्टर्स में, फिर बड़े क्लस्टर्स को और बड़े क्लस्टर में मर्ज किया. तो ये हमारी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है. तो यही सेम चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा सेट था, तो हमने इस डेटा सेट को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लिया, और इस डेटा सेट को हमने सबसे पहले पार्टीशन कर. तो छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी हो सकता है, अभी हम जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो जैसे कि हमने रीजन वाइज इस ग्राफ में जो हमारे ये पॉइंट्स थे, रीजन वाइज उनको स्प्लिट कर दिया, तो ये हमारे सब क्लस्टर्स बन गए कई सारे. अब इसके बाद ये पार्टीशनिंग अप्रोच हो गई, यानी फेज़ वन हो गया. इसके बाद फेज़ टू में हमें क्या करना है, इन सब क्लस्टर्स को बड़े क्लस्टर्स में मर्ज करना है. तो इसके लिए हमें वही दो पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, एक तो इंटरकनेक्टिविटी और दूसरा रिलेटिव क्लोजनेस. तो इंटरकनेक्टिविटी का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये दो क्लस्टर्स हैं, इन दोनों क्लस्टर्स को आपस में ये मर्ज होंगे या नहीं, तो हमें इसकी इंटरकनेक्टिविटी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इंटरकनेक्टिविटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो ये इंटरकनेक्टिविटी वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ की वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो ये दोनों क्लस्टर्स आपस में मर्ज होके एक बड़े क्लस्टर बना देंगे. इसी तरह से क्लोजनेस वैल्यू, तो C1 और C2 अगर मान लिया हमारे पास ये दो क्लस्टर्स हैं, तो इनकी क्लोजनेस वैल्यू एक पर्टिकुलर क्लस्टर के ऑब्जेक्ट्स की क्लोजनेस वैल्यू से अगर हाई आ रही है, तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे. तो इसी तरह से हमने मर्जिंग एल्गोरिथम यूज करके इंटरकनेक्टिविटी, रिलेटिव और
इंटरकनेक्टिव क्लोजनेस रिलेटिव कैलकुलेट करके हमने इनको मर्ज करके बड़े क्लस्टर में बना दिया। तो दिस इज़ द फाइनल क्लस्टर्स। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ग्राफ था उसको पार्टीशन किया, और पार्टीशन करने के बाद हमने ये दो पैरामीटर इंटरकनेक्टिविटी और क्लोजनेस, जो कि रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब पर्टिकुलर क्लस्टर से इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यानी दो ग्राफ के बीच में, दो जो सब ग्राफ के बीच में वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो पर्टिकुलर ग्राफ की वैल्यू से अगर ज़्यादा आ रही है तो उसका मतलब ये है कि रिलेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो पी एंड क्यू आर कनेक्टेड इफ क्यू इज एमंग द टॉप के क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ पी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम ये पर्टिकुलर क्लस्टर है, एक ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, तो हम जैसे इंटरकनेक्टिविटी इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, इसके साथ, इस तरह से हर एक बचे हुए क्लस्टर के साथ हम इंटरकनेक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें से जो टॉप 2 हो गया, टॉप 3 हो गया, तो K की वैल्यू गिवन होगी, तो टॉप K वैल्यूज जो आ रही हैं इसकी इंटरकनेक्टिविटी की, तो वो वाले क्लस्टर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से टॉप के क्लोजनेस वैल्यू जो आ रही हैं वो वाले क्लस्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 क्लस्टर्स जो है आपस में मर्ज हो गए, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लस्टर की वैल्यू जो है इन बाकी के क्लस्टर के कंपेरेटिवली इन दोनों से ज़्यादा आ रही थी, इन दोनों के केस में ज्यादा आ रही थी, तो इसलिए इन दोनों को हमने इसके साथ मर्ज कर दिया। तो इसमें थ्योरी है जस्ट, और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अभी नहीं है इसमें।